एवरीवन, मैं आपकी होस्ट प्रियंका गुप्ता। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने चल रही हूँ चैप्टर थर्ड, जो कि है घर की सफाई, क्लीनिंग ऑफ हाउस। हम यहाँ पर सफाई के बारे में बात करेंगे। एज आई नो कि सफाई आप सब लोगों को बहुत पसंद होगी और आप सभी लोग अपने घरों में सफाई भी रखते होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा घर से संबंधित है और घर की सफाई से संबंधित है कि आप अपने घर को कैसे नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। और अपने कार्यों को नीट एंड क्लीन करने का कार्य तो सब लोग करते हैं, लेकिन अपने घर को थोड़ा अस्त व्यस्त सब लोग रखते हैं। और यहाँ पर हम अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे सीधे कि घर की सफाई हम कैसे करेंगे और इस घर की सफाई का अर्थ क्या होता है, घर की सफाई को करने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं, घर की सफाई का महत्व क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है, और घर की सफाई के प्रकार कितने हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सफाई का अर्थ, सफाई का अर्थ सीधा सा है स्वच्छता से अपने घर को सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं सजावट के आधार पर रखना ही सफाई कहलाता है। हम अपने घर की सफाई कैसे कर सकते हैं? घर की सफाई के लिए विभिन्न तरीके के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरण खरीदते हैं, जिससे हमारे घर की सफाई सुचारू रूप से हो सकती है। पहली बात तो मानव का जो जीवन है वो दो तिहाई समय घर में ही व्यतीत होता है, और घर में जब सफाई नहीं होगी, स्वच्छता नहीं होगी, तो उससे क्या होगा कि हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त महसूस होगा। एक बार ये भी है कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सफाई एक आवश्यक चीज है, और जब घर में स्वच्छता होगी तो इससे मन प्रसन्न होगा, हमको आत्मसंतोष होगा कि हमारे यहाँ कोई भी आ जाए, एनी टाइम आ जाए, हमको किसी चीज की व्यवस्था या किसी प्रकार की सफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग आते हैं हमारे यहाँ, वो हमसे प्रभावित होते हैं, हमारे घर को देखकर, उसकी व्यवस्था को देखकर आकर्षित होते हैं, और इस चीज को वो दूर तक प्रचार में ले जाते हैं। इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं कि घर की सफाई का महत्व क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है। तो घर की सफाई का महत्व बहुत बड़ा है। यदि हम अपने घर की सफाई नहीं करेंगे तो तरह तरह की विशुद्धियां, तरह तरह के कीटाणु हमारे घर में पनप जाएंगे, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हम क्रियाशील नहीं होंगे, और जब क्रियाशील नहीं होंगे तो हमारी कार्य व्यवस्था पूरी तरीके से टूट जाएगी। तो इसलिए सफाई एक आवश्यक प्रकरण है। यदि हम सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी कार्य व्यवस्था और गृह व्यवस्था दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं घर की सफाई की आवश्यकता क्या है। तो घर की सफाई के निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, ये भी कोई पूछने की बात है कि घर की सफाई की आवश्यकता क्या है। हाँ, नेक्स्ट वन आइए जानते हैं। तब भी मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आपके लिए कि घर की सफाई की आवश्यकता इसलिए है। पहला है जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए सहायक। तो ऑब्वियस की बात है, घर हमारे यहाँ घर की सफाई की जो आवश्यकता है अपनी जीवन शैली को उच्च बनाने के लिए होती है, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास उत्तम भवन है, उत्तम किस्म के फर्नीचर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन उनका घर जो है वो अस्त व्यस्त रहता है। उनके घर पर कोई भी वस्तु जिस स्थान पर होनी चाहिए उस स्थान पर नहीं होती है। उनकी जीवन शैली तो उच्च तरह की है, लेकिन गृह व्यवस्था की जो शैली है वो निम्न प्रकार की होती है। इस तरीके से जब कोई उनके घर की गृह व्यवस्था को देखता है तो वो यही बात कहता है, ऊंची दुकान और तीखी पकवान। ये टाइटल बहुत लोग यूज करते हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि नाम तो इतना बड़ा है, प्रॉपर्टी तो उनके पास इतनी है, घर तो इतना बड़ा बनवाया है, लेकिन सफाई ना होने के कारण उनकी जो प्रभावशीलता है वो कम हो जाती है। तो इसलिए सफाई एक आवश्यक प्रकरण है। हमें अपने घर की वस्तुओं को, घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे समाज में, घर में स्वच्छता को हम बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट वन, घर की सुंदरता में सहायक। ऑब्वियस बात है कि सफाई जो है हमारी घर की सुंदरता को निखारता है। जब हम चीजों को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, कि विसंक्रमित करके रखेंगे, तो वो चीजों की क्वालिटी जो है और उन चीजों की ड्यूरेबिलिटी जो है वो लंबे समय तक हो जाती है, और ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी सामग्रियां जो है वो
लंबे समय तक चलती हैं, साथ ही साथ उनकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। जैसे घर में विभिन्न प्रकार के फर्नीचर होते हैं, विभिन्न तरीके के फ्लावरिंग पॉट्स होते हैं, गुलदान जिनको कहते हैं हम, उनकी सफाई के लिए हम उनकी वार्निशिंग करते हैं, उनको वैक्सिंग करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, उनको पेंट करते हैं, तो क्या होता है कि उनकी ड्यूरेबिलिटी तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ वो देखने में भी सुंदर दिखते हैं। तो इस तरीके की जो क्रिएटिविटी है हमें अपने घर में गृह व्यवस्था के अंतर्गत लानी चाहिए, इससे हमारी गृह व्यवस्था उत्तम शैली की हो जाती है। नेक्स्ट वन, गृह को आकर्षक बनाने में सहायक। तो माय डियर फ्रेंड, जब हम अपने घर को सुंदर रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो आकर्षक तो ऑब्वियसली बात है लगना ही है। जब हमारा घर आकर्षक लगेगा तो जो लोग होंगे वहां के उनका मन प्रसन्न होगा, उनको आत्मसंतुष्टि होगी कि हमारा घर स्वच्छ है, सुंदर है, प्रभावशाली है, आकर्षक है। जब कोई बंदा उनके घर आता है तो सीधे पहले वो घर की रूपरेखा को देखता है कि वाओ, दिस इज अ नाइस रूम। लोग ऐसे करते ना, तो ऐसे करते हैं। इसका क्या मतलब है कि इसका सीधा सा मतलब है कि वो व्यक्ति जो आया है या वो आगंतुक जो आया है वो हमारे साज सज्जा, सफाई एवं गृह व्यवस्था से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ है, साथ ही साथ और उसको वो सारी चीजें बहुत ही आकर्षित की है। नेक्स्ट वन, स्वास्थ्य एवं चुस्ती में सहायक। तो इसकी बात है, जब हमारा घर सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, साफ होगा, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। घर का एक महत्वपूर्ण स्थान है रसोई घर। जब रसोई घर हमारा स्वच्छ होगा, वहां पर बनने वाले भोज्य पदार्थ स्वच्छ होंगे, साफ होंगे, तो हमारी जो कार्यशैली है वो बहुत ही सुंदर होगी, सुदृढ़ होगी। इसके कारण हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम होगा, हमें पोषण की प्रक्रिया अच्छी होगी। जैसे हमारे किचन में जो सब्जियां आती हैं, हमें चाहिए कि उनकी स्वच्छता के लिए हम उनको पहले धुलकर सुखाकर स्टोर करें, जिससे वो सब्जियां, वो फल लंबे समय तक आराम से चल सके। साथ ही साथ जब हम ऐसे प्रोडक्ट का सेवन करेंगे, जब ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का हम सेवन करेंगे, तो उससे हमें पोषण प्राप्त होगा, साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। और जब हमारा स्वास्थ्य उत्तम होगा तो हमें एनर्जी होगी और हमारा शरीर जो है एनर्जेटिक रहेगा, इससे हम अपने कार्य को आसानी से संपूर्ण कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी कार्य व्यवस्था में उत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्यवसाय सफलता में सहायक। सफाई का जो मुद्दा है वो व्यवसाय में भी अप्लाई होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें सफाई अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जहाँ सफाई होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। मीन्स जहाँ सफाई नहीं हुई वहां लक्ष्मी जी बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो आप सभी लोग अपने घर को स्वच्छ सुंदर बना के रखें, साफ सुथरा बनाकर रखें, कूड़े इधर उधर ना फेंके, जिसके कारण आपके घर लक्ष्मी जी का वास हो। तो ऐसा है कि जैसे कुछ व्यवसाय हैं, कुछ मिठाई वाले हैं या कुछ फूड प्रोडक्ट्स बेचने वाले लोग होते हैं, उनके यहाँ अगर सफाई नहीं होगी तो उनके रेस्टोरेंट में, उनके ढाबे पर कोई भी व्यक्ति खाना खाने जाना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि लोग उनके यहाँ की व्यवस्था को देखकर, बाहर की आउटलेट देखकर समझ जाते हैं कि उस व्यक्ति के व्यवसाय में या उस व्यक्ति के यहाँ कितनी सफाई या कितनी स्वच्छता है। यदि हमारी दुकान पर मक्खियां भिनभिनाती रहे, जाले लगे रहे, जो फूड के पैकेट्स हैं या जो ग्रोसरी के पैकेट्स हैं उन पर धूल मिट्टी जमी रहे, तो कस्टमर जो है उनको लेने से हिचकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप भी कभी दुकान पर गए होंगे, सामान को परचेज किया होगा, अगर दुकानदार जिस पैकेट को आपको देता है, आपने मान लीजिए कुछ ब्रेड खरीदा है और उस ब्रेड की पैकेट के अंदर फंगस ग्रो कर गए हो साथ ही साथ, और उस ब्रेड के पैकेट पर जाले, धूल मिट्टी लगी हो, तो क्या आप उसको लेना पसंद करेंगे? मैं तो बिल्कुल लेना पसंद नहीं करूंगी। मैं आप, और ऑब्वियसली बात है, आप भी लेना नहीं पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर सफाई नहीं है। और अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की दुकान पर जाते हैं और वहां पर आपको स्वच्छ ब्रेड का पैकेट मिलता है थोड़े से ज्यादा दाम में भी, तब भी आप उस ब्रेड के पैकेट को लेना प्रेफर करेंगे। तो सीधा सा मतलब है कि जिस व्यवसाय में सफाई होगी उसका व्यवसाय सफलता की उच्च बुलंदियों को छुएगा, साथ ही साथ जो कस्टमर होंगे उसके वो संतुष्ट होंगे। नेक्स्ट वन, आगंतुकों द्वारा प्रशंसा। तो जब हमने इसकी बात पहले ही आपसे कर दी कि जब हमारा घर सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, तो वहां के लोग जो होंगे क्रियाशील होंगे, साथ ही साथ जब कोई गेस्ट या जब कोई आगंतुक हमारे घर पे आएगा तो वो हमारे
अपने घर की कार्यशैली और साथ ही साथ गृह व्यवस्था को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि हम अपने फर्नीचर को नियत स्थान पर रखेंगे, डोर पर या विंडोज पर कर्टन्स का सामंजस्य अच्छा बनाकर रखेंगे, वॉल पेंटिंग रूम के हिसाब से होगी, फर्नीचर की सेटिंग उत्तम प्रकार की होगी। तो इत्यादि चीजों को जब हम एकदम डेकोरेटिव वे में रखते हैं तो जब लोग हमारे रूम में या गेस्ट रूम में बैठते हैं तब उनको एक आनंद का अनुभव होता है और साथ ही साथ उनके मुंह से वाओ दिस इज अ नाइस रूम निकल ही जाता है और वो उस व्यक्ति से जरूर मिलना पसंद करते हैं जो उसको डेकोरेट किया होता है। और आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि आपके यहाँ जो कुछ पड़ोसी आते हैं या घर के बगल की आंटी लोग आती हैं तो वो इस चीज को जरूर गौर करती हैं कि आपके घर में सफाई है, आपके घर की व्यवस्था कैसी है, रूम का अरेंजमेंट कैसा है। तो बहुत लोग गेस्ट रूम में बैठने के बजाय सीधे घर में घुसने का प्रयास करती हैं। तो अगर हमारे घर की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है तो उस जनरेशन में हमको बड़ा अपने अंदर अनफिट फील होता है और हम चाहते हैं कि ये बंदा हमारे घर में ना घुसे। लेकिन जब हम अपने घर की व्यवस्था को पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन रखते हैं, पूरी तरीके से सुंदर सजा कर रखते हैं, तब हम चाहते हैं कि हमारे घर में कोई भी बंदा आए और हमारे घर को देखे, हमारे कार्यों की तारीफ करे, जिससे हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है साथ ही साथ हमको संतोष भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट वन गृह व्यवस्था एवं कार्य व्यवस्था में सहायक। तो सफाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है जो हमारी गृह व्यवस्था और कार्य व्यवस्था दोनों में सहायक होती है। जब हम अपने घर का स्वच्छ सुंदर एवं शांत वातावरण बनाकर रखेंगे तो हमारे घर की जो गृह व्यवस्था है वो उत्तम प्रकार की होगी। जब घर की व्यवस्था उत्तम प्रकार की होगी तो हमारी कार्य व्यवस्था अपने आप उत्तम हो जाएगी। आइए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमको रसोई में कोई रेसिपी बनानी है और हम रेसिपी बनाने चल रहे हैं तो पता लगा कि जिस बर्तन में बनाना है वो बर्तन सारे गंदे पड़े हैं। तब क्या होगा कि हमारा जो ओरिएंटेशन होगा पहले बर्तन साफ करने का होगा, फिर उसको सुखाने का होगा, फिर जाके अपने कार्य में लगने का होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा समय इसमें चला जाएगा। जो रेसिपी का टाइम था जिस ड्यूरेशन में उसको बनना था वो उस ड्यूरेशन में नहीं या उस समय में नहीं बन पा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो समय है वो ज्यादा से ज्यादा व्यय हो जाएगा और आपके कार्य देर से संपूर्ण होंगे। तो इसलिए जब हमारी गृह की व्यवस्था साफ सफाई अच्छी तरीके से होगी तो हमारे कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं उत्पन्न होगा और इससे हम अपने कार्यों को जल्दी कर सकते हैं या गृहिणी अपने कार्यों को जल्दी कर सकती है, जिससे उसके समय एवं श्रम की बचत होगी और इस बचे हुए समय में वो विश्राम कर सकती है साथ ही साथ मनोरंजन भी कर सकती है। लेकिन जब उसके पास ये समय उसका व्यय हो जाता है तो गृहिणी के विश्राम और मनोरंजन का समय जो होता है उसमें कटौती हो जाती है। नेक्स्ट कीटाणु को पनपने से रोकने में सहायक। तो सफाई जहाँ होती है वहां पर कीटाणु बिल्कुल नहीं होते हैं। तो सफाई का आशय कि हम अपने घर में सफाई की जो प्रक्रिया है उसको निश्चित रूप से प्रतिदिन करें। रसोई घर की बात करें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस होती है जहां पर भोज्य पदार्थों का को बनाया जाता है, इन जगहों पर बैक्टीरिया वायरस जर्म्स फैलते रहते हैं क्योंकि हम भोजन को लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं या कभी कभी हमने भोजन को स्टोर करना भूल गए होते हैं, फ्रिज में डालना भूल गए होते हैं। तो उस जनरेशन में क्या होता है कि उसमें फंगस या बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं भोजन में और भोजन को पूरी तरीके से पॉइजनस कर देते हैं। तो इसलिए उन कीटाणुओं को पनपने से रोकने के लिए हमें जो खाद्य पदार्थ है उनको संरक्षित करके रखना होता है, साथ ही साथ अपने घर के प्रत्येक कोनों को साथ ही साथ रसोई घर को भी नीट एंड क्लीन करना होता है। अगर घर की बात करें तो रसोई घर एक ऐसी महत्वपूर्ण स्थान है जिसकी सफाई हमें 24 घंटे में दो बार करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए ये भी बता दे रही हूँ, क्योंकि हम अपने रसोई घर में जब कार्य करते हैं तो क्या होता है जब प्रेशर कुकर में दाल पकाते हैं या प्रेशर कुकर में सब्जी पकाते हैं तो कभी कुछ क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, तो जब प्रेशर कुकर के थ्रू सीटी आती है तो क्या होता है कि उसके छींटे दीवार पर पड़ जाते हैं या आसपास पड़ जाते हैं। तो यदि उनकी सफाई हम नियमित रूप से नहीं करेंगे तो हमारे दीवार पर या किचन में दाग धब्बे पड़ जाएंगे और वो जल्दी नहीं छूटेंगे। इससे हमारे किचन की जो व्यवस्था है वो खराब दिखने लगेगी, सुंदरता कम हो जाएगी उसकी। इसलिए सफाई
बहुत आवश्यक प्रकरण है। आइए हम बात करते हैं सफाई के विभिन्न प्रकार। तो क्या आप जानते हैं सफाई के विभिन्न प्रकार भी होते हैं, वो प्रकार कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं। दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई और आकस्मिक सफाई। इनके बारे में हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। दैनिक सफाई का असर है कि प्रतिदिन होने वाली सफाई। प्रतिदिन होने वाली सफाई कौन कौन से जगहों की होती है? प्रतिदिन सफाई जो होती है वो हमारे घर की पूरी तरीके से एक बार सफाई होती है, जिसको हम सुबह झाड़ू लगाना कहते हैं। तो इस तरीके से एक रूटीन हो जाता है प्रतिदिन अपने घर में झाड़ू लगाना, जिसके थ्रू हमारा घर स्वच्छ और साफ दिखे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं या हम ही लोग होते हैं, तो शूज या सैंडल या स्लीपर्स को पहन के अंदर बाहर करते रहते हैं, तो जो उसमें डस्ट पार्टिकल चिपके हुए होते हैं या गंदगी लगी होती है वो हमारे घर के रूम तक पहुंच जाती है, जिसकी सफाई प्रतिदिन होना नितांत आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो कचरा धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा और दुर्गंध करने लगेगा, और इससे हमारी जो गृह व्यवस्था है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी। इसलिए दैनिक सफाई की प्रक्रिया अति आवश्यक है। दूसरी बात, रसोई घर की दैनिक सफाई होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हम यहाँ पर दैनिक रूप से दिन में दो बार काम करते हैं, साथ ही साथ अगर कोई गेस्ट आ गया और आ गया तो हम पूरा दिन किचन में रह जाते हैं। तब क्या होता है कि हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाते हैं, तो यदि रसोई घर के प्लेटफॉर्म पर वायरस बैक्टीरिया इत्यादि चीज होंगे तब वहां की जो कार्य व्यवस्था है वो प्रभावित होगी, साथ ही साथ हमारा फूड पॉइजनस हो सकता है। इसलिए हमें दिन में दो बार रसोई घर की सफाई करनी चाहिए। नेक्स्ट वन, वॉश बेसिन और नालियों की भी सफाई करनी चाहिए दैनिक रूप से, क्योंकि अगर हम जब वहां पर झाड़ू नहीं मारेंगे, पानी नहीं डालेंगे, पोछे छूटे को नहीं डालेंगे, क्या होगा वहां पे छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे जो वहां उस जगह को दुर्गंधित करेंगे, और ये हमारी कार्य व्यवस्था और गृह व्यवस्था दोनों को प्रभावित करेगा। इसलिए दैनिक सफाई जगहों की अति आवश्यक है। नेक्स्ट वन, साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत हफ्ते में एक दिन सफाई की योजना होती है। इस दिन हम अपने यहाँ हॉल की सफाई करते हैं, साथ ही साथ प्रत्येक रूम की सफाई करते हैं अच्छे तरीके से, जैसे पोछा लगाते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि घर बहुत बड़ा होता है और यदि हम घर में भी काम कर रहे हैं और बाहर भी कहीं काम कर रहे हैं तो वो क्या, या वर्किंग वुमेन है तो हम डेली रूप से घर की सफाई नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पर क्या होता है कि जो गृहिणी है वो अपने घर को हफ्ते में एक बार पूरी तरीके से साफ सफाई करती है और जालों को हटाती है, साथ ही साथ पोछे हर रूम में लगाती है। इस प्रकार की जो सफाई होगी वो साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट वन, मासिक सफाई। मासिक सफाई के अंतर्गत माह में एक बार सफाई का प्रकरण होता है, जो स्टोर रूम का होता है। स्टोर रूम की सफाई में यहाँ पे हमने दालें, चावल, गेहूं व अन्य मसाले इत्यादि को स्टोर करके रखा है, उन जगहों की सफाई माह में एक बार हम करते हैं, और वहां पर विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स रखते हैं, जिसके कारण वहां पर कोई उनसे ग्रो ना हो सके या कोई पेस्ट ग्रो ना हो सके और हमारे ग्रोसरी को नुकसान ना कर सके। साथ ही साथ मासिक सफाई के अंतर्गत अचार, पापड़, मुरब्बे, वड़ी इत्यादि आते हैं, जिनको हम धूप दिखाकर संरक्षित करने का कार्य करते हैं। वार्षिक सफाई। वार्षिक सफाई के अंतर्गत वर्ष भर में की जाने वाली सफाई आती है, जिसको हम विशेष अवसरों पर करते हैं, जैसे घर में किसी फंक्शन का, जैसे घर में कोई उत्सव होना, दूसरा त्योहार पड़ने पर, जैसे दीपावली के आने पर या शादी विवाह शुभ कार्यक्रमों के आने पर हम अपने घर की पेंटिंग करवाते हैं, साथ ही साथ उसमें नए उपकरण लगवाते हैं। ये सारी चीजें जो है वार्षिक सफाई के अंतर्गत आती हैं। हम अपने घर की पेंटिंग डेली नहीं करवा सकते, अपने रूम के मॉडल को बदलवा नहीं सकते, तो ये वर्ष में एक ही बार करते हैं हम, तो इस तरीके की सफाई जो है वार्षिक सफाई के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट वन, आकस्मिक सफाई। आकस्मिक सफाई ऐसी सफाई होती है जो कभी भी हो सकती है, जिसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के द्वारा जैसे आंधी तूफान जो है कभी कभी आ जाते हैं, इनका निश्चित समय नहीं होता, तो उस समय जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो
तक, हॉल तक, गेस्ट रूम तक में और फर्नीचर पर हो जाते हैं, जिसके कारण से उन सबकी सफाई करना नितांत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि हम उनकी सफाई नहीं करेंगे तो वो डस्ट पार्टिकल उड़ते जाएंगे और हमारे घर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने देंगे, इसलिए उनकी सफाई करना अति आवश्यक हो जाता है। दूसरा, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हो गया, किसी पार्टी हो गई या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो गया, बर्थडे पार्टी हो गई या कोई इवेंट हो गया, ऑर्गेनाइज करना पड़ा हमें हमारे घर में, तो उस ड्यूरेशन में हमें आपस में सफाई करनी पड़ती है। तो सफाई के प्रकरण के बारे में अब हम बात करेंगे कि सफाई के कौन कौन से साधन होते हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने घर को स्वच्छ सुंदर बना सकते हैं। तो सफाई के चार में बेसिक चीजों को लिया है, पहला है पुराने कपड़े, दूसरा ब्रश और झाड़ू, तीसरा बर्तन, चौथे है अन्य सामग्रियां। तो इनके बारे में एक एक करके हम जानते हैं। पुराने कपड़ों की आवश्यकता होती है सफाई के लिए, फोटोज, तस्वीरों, पेंटिंगों को पोंछने के लिए। मुलायम कपड़े जैसे मलमल के कपड़े या वेलवेट कपड़े का यूज किया जाता है। फर्श को साफ करने के लिए, फर्नीचर को साफ करने के लिए हम वेलवेट का कपड़ा यूज कर सकते हैं, लेकिन पोंछे के लिए हम मोटे कपड़े का प्रयोग करते हैं, जिसमें सूखा कपड़ा और गीला कपड़ा दोनों आ सकता है। नेक्स्ट वन, ब्रश और झाड़ू मार्केट में विभिन्न प्रकार के आते हैं। अलग अलग जगहों की सफाई के लिए अलग अलग टाइप के ब्रशेस और अलग अलग टाइप के झाड़ू भी आते हैं, जैसे घर के बाहर की जगह की सफाई के लिए तार वाली झाड़ू, फर्श पे सफाई के लिए फूल वाली झाड़ू, साथ ही साथ नाली या बेसिन की सफाई के लिए प्लास्टिक झाड़ू का प्रयोग किया जाता है। ब्रशेस का भी सेम ऐसे ही है, बेसिन की सफाई के लिए यहाँ पर हार्ड ब्रशेस का यूज किया जाता है, साथ ही साथ गैस के बर्नर को साफ करने के लिए, स्टोव के बर्नर को साफ करने के लिए सॉफ्ट ब्रशेस और या पिनेबल ब्रशेस का यूज किया जाता है। बर्तन सफाई के लिए कुछ बर्तनों की आवश्यकता भी होती है, जिनमें हम पानी स्टोर कर रख सकते हैं, साथ ही साथ जब हम घर की सफाई करते हैं तो उसमें अनावश्यक वस्तुएं भी साथ में निकलती हैं, उन आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए हमें एक तसले या एक बड़े बकेट की आवश्यकता होती है, जिसमें हम अनावश्यक सामग्रियों को निकालकर उस बकेट में स्टोर कर देते हैं, और जैसे ही हम अपनी सफाई कंप्लीट कर लेते हैं उनको अपने घर के बाहर डस्टबिन में या किसी अन्य जगह पर ले जाकर उनको खत्म कर देते हैं। अन्य सामग्री, तो सफाई में अन्य सामग्रियों की भी आवश्यकता होती है, जैसे दाग धब्बे छुड़ाने के लिए हमें विभिन्न चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे सिरका हो गया, विनेगर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारी चीजें जो है हमें दाग धब्बे छुड़ाने में मदद करती है। दूसरा, सफाई के लिए यहाँ पर विभिन्न बहुत सी चीजें हैं, जैसे रेत हो गई, उछा चूना हो गया, स्प्रिट हो गई, राख हो गई, विम हो गया, इत्यादि ये चीजें हैं जिनको हमें सफाई के लिए प्रयोग में लेना पड़ता है। नेक्स्ट वन, कीटाणुनाशक के रूप में बहुत सारे कीटाणुनाशक ऐसे हैं, जैसे लाइजोल हो गया, डिटॉल हो गया, DDT हो गया, फिनाइल हो गया, ये सारी चीजें जो है वो कीटाणुनाशक के रूप में होती है। इनका प्रयोग हम घर की सफाई के लिए पानी में मिलाकर उछे के रूप में करते हैं, साथ ही साथ पानी में मिलाकर बच्चों के खिलौनों को भी संक्रमित करते हैं, साथ ही साथ रोगी के बिस्तर को या रोगी के कपड़े को धुलने के बाद भी संक्रमित करते हैं। तो इन सारे कीटाणुनाशकों का सफाई में बहुत बड़ा रोल है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।